बीएससी पार्ट थर्ड वनस्पति विज्ञान प्रायोगिक के अंतर्गत आज हम आपको इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत ऑब्जेक्ट स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लांट स्पेसीज ऑफ वेजिटेशन बाय क्वाड्रेट मेथड अर्थात क्वाड्रेट विधि से दिए गए पादप जातियों की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता या आवृत्ति को ज्ञात करना। मैं चिरंजी लाल एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी गवर्नमेंट आरएसआर कॉलेज कालाडेरा। जैसा कि ये आज दो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ प्लांट स्पेसीज ऑफ वेजिटेशन बाय क्वाड्रेट मेथड्स। इसके अंतर्गत जो फ्रीक्वेंसी है और डेंसिटी है दोनों इकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट है और इनमें जो आवश्यकताएँ होती है कील, धागा, मीटर स्केल, पेपर, पेंसिल और क्वाड्रेट्स। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को रोनकेर ने सर्वप्रथम वर्णित किया था। आवृत्ति को बारंबारता भी कहते हैं। ये एक ऐसी चयनित इकाइयाँ या सैम्पलिंग यूनिट की संख्या होती है जिसमें वनस्पति या वेजिटेशन की विशिष्ट जाति बारंबार पाई जाती है। चयनित इकाई क्वाड्रेट्स हो सकता है। आवृत्ति द्वारा यह भी मालूम किया जा सकता है कि पादप समान रूप से समुदाय में वितरित है अथवा असमान रूप से व्यवस्थित है। जाति की आवृत्ति निम्न फार्मूले द्वारा निकाली जा सकती है तथा यह सदैव प्रतिशत में दर्शाई जाती है, अर्थात आवृत्ति परसेंटेज इक्वल टू नमूना इकाई क्वाड्रेट की वह संख्या जिसमें विशिष्ट जाति उपस्थित है अपॉन अध्ययन किए गए कुल क्वाड्रेट्स की संख्या इंटू 100। रोनकेर जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार पादपों के जो फ्रीक्वेंसी ग्रुप्स हैं वो 5 बनाए थे और जो निम्न प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी क्लास ए फ्रीक्वेंसी परसेंटेज 1 to 20%, बी 21 to 40, सी 41 to 60, डी 61 to 80 और ई है 81 to 100%। उनका जो नियम था उनके अनुसार उन्होंने देखा कि ए 53, 14, 9, 8, 16 में फ्रीक्वेंसी जो डायग्राम है वो देखे गए। फ्रीक्वेंसी दिस इज ए नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन सैम्पलिंग इन विच ए प्लांट स्पेसीज अकर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, अर्थात परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पेसीज अकर एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीज इन 100। इसी तरीके से डेंसिटी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज डेंसिटी, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीज। यहाँ जो रेनकोर वैज्ञानिक थे उसके आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कुछ नियम बनाए थे। उनके अनुसार पादप वितरण में आवृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि समुदाय में ए वर्ग के पादप अधिक है तो पादपों का वितरण हेटेरोजीनियस कहलाएगा। यदि बी सी डी वर्ग के पादप रोनकेर की आवृत्ति चित्र से अधिक है तब भी पादपों का वितरण विषमांगी या हेटेरोजीनियस कहलाएगा। यदि समुदाय में ई वर्ग के पादप हैं अधिक पादप हैं तो पादपों का वितरण होमोजेनियस या समांगी होगा। मेथड्स विधि, सबसे पहले हम क्वाड्रेट लेते हैं। क्वाड्रेट एक 1 by 1 meter का बना हुआ होता है, 1 meter लंबा 1 meter चौड़ा, या हम किसी फील्ड में भी जा करके 1 meter चौड़ाई लंबाई नाप करके वहाँ कील रख करके धागे की सहायता से भी इसको बांध सकते हैं। क्वाड्रेट को विभिन्न स्थानों पर डालकर इसमें आने वाली पादप जातियों के सामान्य नाम और वानस्पतिक नाम नोट कर लेते हैं। सारणी अनुसार प्रत्येक क्वाड्रेट में जातियों की आगे उपस्थिति को प्लस तथा अनुपस्थिति को माइनस द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंतर्गत जितने भी हमने मान लो 10 क्वाड्रेट्स का हम अध्ययन करेंगे 10 जगह से, तो प्रत्येक क्वाड्रेट्स में जो स्पेसीज के नाम के अगर प्रेजेंट है तो प्लस, एब्सेंट है तो माइनस द्वारा डिनोट करेंगे। 1 to 10 तक क्वाड्रेट डालते समय प्रत्येक क्वाड्रेट में कुल जातियों की संख्या बढ़ती जाएगी जिसे सारणी के नीचे हम जोड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे जो परिकलन करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे तो ए आवृत्ति वाली जातियों की संख्या ज्ञात करके इसकी कुल जातियों की संख्या का भाग देकर 100 से गुणा करने पर ए आवृत्ति प्राप्त होती है। ये इसी प्रकार से बी सी डी की प्राप्त होती है, अर्थात विशेष आवृत्ति वर्ग प्रतिशत इक्वल टू आवृत्ति वर्ग विशेष में आने वाली जातियों की संख्या अपॉन सभी जातियों की कुल संख्या इंटू 100। सभी वर्ग प्रतिशत ए बी सी डी ई प्राप्त होने पर इसका चित्र रेखांकित करें और रोनकेर
कि आवर्ती चित्र से तुलनात्मक अध्ययन करके बताएं, ज्ञात करें कि पादप समुदाय में पादपों का वितरण हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस है। इसी प्रकार से इनके कुछ सावधानियां हैं। तो जो सबसे जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाएंगे हम, और उस टेबल में देखेंगे जैसे सीरियल नंबर, नंबर ऑफ स्पेसीज या जाति का नाम जो हमें पाए मिल रही है, और फ्रीक्वेंसी की जातियों का प्रतिशत ज्ञात करना, ये आपकी टेबल का नाम है। और इसमें क्वाड्रेट की संख्या हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्यों हम 10 तक अध्ययन करेंगे। अध्ययन किए गए कुल क्वाड्रेट की संख्या हम 10 ही कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ये फॉर्मूला है, और फ्रीक्वेंसी क्लासेज जो ए बी सी डी रोन के ने बताई थी, अगर कोई जाति इन 10 क्वाड्रेट में 1 से 20 तक आती है तो वो ए में होगी, 21 से 40 में आती है तो बी में होगी, 41 से 60 में आती है तो सी में आएगी, 61 से 80% में आएगी तो डी में आएगी, और 81 से 100 तक ई में आएगी। जैसे सबसे पहले मान लो आपने क्वाड्रेट डाला, उसमें हमने देखा कि फाइलेंथस ये प्रेजेंट है तो इसको प्लस हो गया, दूसरे हमने देखा ये नहीं है तो माइनस कर दिया, तीसरे में फिर प्रेजेंट है फिर एब्सेंट है। तो इस प्रकार देखो टोटल हमने 10 क्वाड्रेट्स में देखा कि जो फाइलेंथस स्पेसीज है वो 6 जातियों में प्रेजेंट है अपॉन 10 × 100 = 60। तो 60 आने पर यह सी को डिनोट करेगा। इसी तरीके से यूफोर्बिया हिटा, साइप्रस, साइनोडोडेक्टिलियन, पोर्चुलेका, इंडिगोफेरा, अमरंथस, ये सब लोकल प्लांट्स हैं। इसके अलावा आप जहाँ रह रहे हैं, जिस कैंपस का आप अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ से इनमें डिफरेंट प्लांट या पादप हो सकते हैं। तो इसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ले सकते हैं, मानो कहीं कैलोट्रोपिस भी हो सकता है, आपका दतुरा भी हो सकता है। जैसे सपोज करो दतुरा हमें इन 3 जगह मिला और 7 जगह नहीं मिला, तो 3 × 10 × 100 = 30। 30 आने पर इसका मतलब ये हो गया बी सीरीज में आएगा, ये बी में आएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो जाति है उसकी प्लस माइनस एब्सेंट और प्लस माइनस करते जाएंगे, और उसकी हम जो आवृत्ति वर्ग है या फ्रीक्वेंसी क्लास है वो ज्ञात कर लेंगे। जब हमें फ्रीक्वेंसी क्लासेस ज्ञात हो जाएंगी, आगे ए बी सी डी जो भी जिस कैटेगरी में आ रही है, तो जैसे मान लो हमने टोटल नंबर ऑफ जो प्लांट स्पेसीज है मान लो 20 ज्ञात करी है, तो 20 में ए का प्रतिशत कितना, जैसे मान लो ए 8 जगह आ रही है और बी 5 जगह आ रही है, सी 4 जगह आ रही है, तो हम इन सबको हटा सकते हैं और फ्रीक्वेंसी क्लासेस ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो सी 2 जगह आ रही है तो 2/10, हमने टोटल जो नंबर है वो जो स्पेसीज है वो 20 है इंटू 100 करेंगे। तो इस प्रकार से यह कुल जातियाँ होगी 20 में से 20 जातियाँ जिनमें से ये 6 में पाई जा रही हैं, 6 में पाई जा रही है अर्थात वर्ग सी है। तो इसी प्रकार से ए बी सी डी इन सब का आपके सामने ये निकल आएगा कि ये कितना परसेंटेज है, ए कितना है, बी कितना है। जैसे ए 40% है, बी मान लो 20% है, सी 20% है, और ये आपका 10% है, 10% है, ए बी सी डी ई 4 हो गई, इस प्रकार से आपको प्राप्त हुई है। तो इसी तरह से रोनकेर वैज्ञानिक ने एक हिस्टोग्राम दिया था जो उसका नियम है। अब आपको यहाँ जब हमें ये प्राप्त होगी तो इसके बाद में आपको एक ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ में यूं बनाएंगे, और इसमें इधर तो हम ए बी सी डी ई लिखेंगे यानी सीरीज लिखेंगे, और इधर फ्रीक्वेंसी जो सीरीज है वो लिखेंगे, जैसे 10% 20 है, 30 है, 40 है, ये लिखते जाएंगे। अब ए टोटल नंबर ऑफ ए मान लो ए अपने को 40% प्राप्त हुई है तो यहाँ 40 का यूं कह देंगे, बी हमें कितनी परसेंटेज प्राप्त हो रही है वो करेंगे, सी कितनी हो रही है, डी कितनी हो रही है, इस प्रकार से एक ग्राफ फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनेगा, और उसके उस वो ग्राफ ही आपका परिणाम या वो बता देगा कि आप क्या फ्रीक्वेंसी कहाँ कितनी आ रही है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए वेरियस प्लांट स्पेसीज ऑफ वेजिटेशन बाय क्वाड्रेट मैटर। जैसा कि फ्रीक्वेंसी किया तो यहाँ पर डेंसिटी है, डेंसिटी में केवल टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीज निकालनी है। इसके अंतर्गत जो सारणी है वो आपको एज इट इज़ वैसे ही बनानी है जैसे फ्रीक्वेंसी बनाई है। अब आप दे सकते हैं नेम ऑफ स्पेसीज, ये उसमें भी था, क्वाड्रेट्स की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 10, जातियों की टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज ए, क्वाड्रेट्स की
नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स लिखना है और क्वाड्रेट्स की संख्या जिसमें वो जाति उपस्थित है और घनत्व होगा ए अपॉन बी, अर्थात टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज अपॉन नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीज। तो हम यहाँ 10 क्वाड्रेट का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे पहले फाइलेंथस है, पहले वाले में फ्रीक्वेंसी में केवल प्लस माइनस था, यहाँ पर आपको जैसे एक क्वाड्रेट देखा है, यहाँ पर दूसरे नंबर के क्वाड्रेट में फाइलेंथस की जो मेंबर्स हैं वो संख्या वो 10 है उस क्वाड्रेट्स में, तो 10 आएगी, दूसरे में भी 10 आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं जबकि टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज वो डेंसिटी के एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं। इसी तरीके से मान लो साइनोनो डेक्टिलो साइप्रस है, इंडिगो फेरा है, और भी आपका 10 11 12 जो भी हो सकता है, जैसे मान लो कैलोट्रोपिस है, सपोज ये कैलोट्रोपिस पहले में 2 पाए जा रहे हैं, तीसरे में 3 पाए जा रहे हैं, दूसरे में 2 पाए जा रहे हैं, फिर आगे 5 पाए जा रहे हैं, 6 पा रहे हैं, 7 पाए जा रहे हैं और कहीं फिर नहीं है। अब हम इनको काउंट करेंगे 2 3 5 2 7 7 5 12 और 6 18 7 25, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज होगी 25। नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्पेसीज अध्ययन किया गया अपने 10, तो इसका घनत्व कितना है 2.5। तो इस प्रकार से ये दो एक्सपेरिमेंट आज आपको बताए गए हैं फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी का, ये आप अपने रिकॉर्ड या प्रायोगिक पुस्तिका में लिख करके और ऐसे सारणी बना लेंगे और आपके आसपास अराउंड जो लोकल प्लांट्स हैं उनको आप कलेक्शन करके इकट्ठा कर लेंगे और इनके अगर बोटेनिकल नाम आपको नहीं आता तो उनको बेसिकली नाम दे दें ABCD और यहाँ वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला में आकर आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि वो पौधा कौन सा था। सारे जो लोकल प्लांट्स हैं, लोकल पादप हैं, आप उनका भी स्टडीज कर सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट आप अपने प्रायोगिक रिकॉर्ड में लिखें और दो एक्सपेरिमेंट इसमें पहले वाले में ग्राफ बनाना है और अधिक जानकारी आप महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला से संपर्क कर अपना काम करें।